हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपश्री लेडीज टेलर में। आज हम अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग हमने पहले ही बता दी है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये आगे का भाग हमने लिया है, पहले हम आगे के भाग की ही स्टिचिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से आपको उल्टा सीधा कपड़ा देख के ही आपको रखना है अस्तर को। उल्टे भाग से ही आपको अस्तर को अटैच करना है। पहले चारों तरफ से अस्तर पे सिलाई कर लीजिए। देखिए, इस तरह से आपको अस्तर और कपड़े को एक में ही अटैच करना है। दूसरे भाग पे भी हम इसी तरह सिलेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। देखिए, नीचे की साइड हम बीच से टक्स पॉइंट पे इस तरह फोल्ड करेंगे। सेम आपको इसी पे नहीं सिलना है, इस तरह हल्का सा राउंड में सिलाई करना है। देखिए, इस तरह से इस पर डबल सिलाई करेंगे। इधर के टक्स पॉइंट पे आपको सेम जैसा हमने निशान लगाया है वैसे ही सिलाई करना है। इस तरह से आप सभी टक्स पॉइंट को सिल लीजिए। दूसरा भाग भी हमें सेम इसी तरह सिलना है। देखिए, हमने दोनों भाग सिल लिए हैं। इसके बाद हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। देखिए, बेल्ट पे हम इस तरह अस्तर रख के सिलेंगे। दूसरा बेल्ट भी इसी तरह सिलेंगे। अस्तर पे हम एक दाब सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए, इस तरह आपको फोल्ड करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। दोनों बेल्ट को इसी तरह फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। इसके बाद देखिए, ये भाग हमने लिया है और यहाँ पे देखिए पहले कपड़ा रखेंगे। इस तरह से आपको बीच में फोल्ड करते हुए नीचे से अस्तर लेना है। देखिए, इस तरह रखना है और यहीं से सिलाई करना है। बीच में जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है को ध्यान रखना है, उस पे सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। एक सिलाई और लगाएंगे। इसके बाद हम देखिए इस तरह से बीच का कपड़ा निकालेंगे। हमने डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग किया था तो इसलिए बेल्ट में जो है एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, तो इसे हम पहले बराबर कर लेंगे। इसी तरह दूसरा भाग भी हम सिल लिए हैं। अब हम पीछे का भाग सिलेंगे। देखिए, इस तरह से आपको कपड़ा रखना है, उस पे अस्तर रखना है इस तरह से, और नीचे से हम सिलाई करेंगे बराबर से रख के। अस्तर पे हम एक दाब सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए, इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से लगभग 1/2 इंच इस तरह छोड़ते हुए हमें सिलाई करना है।
इसके बाद हम उल्टे साइड से अस्तर पे सिलाई करते हुए इस तरह कपड़ा और अस्तर अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। इस तरह से देखिए फिर हम फोल्ड करेंगे। गले का निशान लगाएंगे, ऊपर से 2.5 इंच है। गले की लंबाई हम 9.5 इंच रख रहे हैं, इधर भी 2.5 इंच रख रहे हैं। इस तरह सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, हमको चौकोन गला ही रखना है तो हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इधर भी हम बराबर कर लेंगे, देखिए इस तरह। पीछे का टक्स पॉइंट लगाएंगे 4 इंच पे, ऊपर से 4.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। पहले हम गले पे सिलाई करेंगे। इस तरह से आप ऊपर से एक सिलाई कर लीजिए। टक्स को इस तरह फोल्ड करते हुए हम लगभग 1.25 इंच पे, देखिए इस तरह से हम 1.25 इंच पे तिरछा सिलाई करेंगे। दूसरा टक्स पॉइंट भी हमें इसी तरह से सिलना है। देखिए इस तरह से इसके बाद देखिए हम आगे का भाग लेंगे। इस तरह बराबर से रखेंगे, नीचे से हम 1/2 इंच पे इस तरह तिरछा निशान लगा के कट करेंगे। ये गले पे हमने जो कट किया था कपड़ा, इसी में हम हुक और आई की पट्टी कट करेंगे। हुक की पट्टी इस पे हम अटैच करेंगे। ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे, नीचे से फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह अंदर की साइड डबल फोल्ड करके फिर से सिलेंगे। इसके बाद आई की पट्टी हम अटैच करेंगे। आई की पट्टी नीचे से रखते हुए इस तरह फोल्ड करके सिलना है। ऊपर की साइड इस तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलाई पे ही हमको इस तरह फोल्ड करके रखना है और इसी पे सिलाई करना है। देखिए इस तरह से बीच में हम एक सिलाई और लगाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। देखिए पीछे का भाग लेके आपको ऊपर से इस तरह आगे का भाग रखना है, शोल्डर पे सिलाई करना है। दूसरा शोल्डर भी इसी तरह अटैच करना है। डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद लॉक की सिलाई करेंगे। ने शोल्डर अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए शोल्डर का हम माप लेंगे। देखिए इस तरह 10.25 इंच है, तो बाही का हम देख लेते कितना है हमारा। देखिए बाही हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम माप लेंगे, तो ये देखिए 9 इंच ही है। तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे कपड़ा,
तो पहले हम कपड़ा सिल लेते हैं बाही में, इस तरह रख के आपको सिलना है। ऊपर से एक दाब सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड भी इसी तरह सिलेंगे। इसी तरह से आपको अस्तर पे और कपड़े पे कपड़ा ज्वाइन कर लेना है। देखिए हमने सभी कपड़े को सिल लिया है। इसके बाद हम बाही का कपड़ा रखे हैं, इस पे हम अस्तर का कपड़ा इस तरह रख के सिलाई करेंगे। अस्तर को इस तरह फोल्ड करके दाब सिलाई लगाएंगे अस्तर पे। इस तरह देखिए फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रख के देखिए एक हम 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। सिलने के बाद हम इसे धागा तोड़ देंगे। दूसरी साइड का बाहें भी हमें इसी तरह सिलना है। हमने दोनों साइड का बाहें सिल लिया है। इसके बाद हम लेस लेंगे, लेस को बीच से कट करेंगे। इसके बाद दोनों बाहें को देखिए इस तरह आपको फोल्ड करके बराबर से रखना है। इसके ऊपर लेस भी इस तरह फोल्ड करके रख लीजिए और दोनों बाहें पे आपको निशान लगा लेना है। यहीं से हमको लेस अटैच करना है। देखिए इस तरह से आपको लेस को फोल्ड करके इस तरह सिलाई करना है। इधर भी फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए आप सिल लीजिए। इधर भी फोल्ड करेंगे। दूसरी बाही पे भी हम इस तरह लेस सिलेंगे। देखिए हमने दोनों बाही पे लेस सिल लिया है। इसके बाद आपको बाही को इस तरह बराबर से रखना है। बाही की लंबाई हमको 9 इंच चाहिए, तो हम पहले 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1/2 इंच इस तरह रखेंगे। नीचे से हम बराबर से इस तरह रख के कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से इसके बाद इस तरह से आपको दोनों बाही को रखना है। यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगा के कट कर देना है आगे के भाग में। इस तरह से ब्लाउज लेंगे, इस तरह बराबर से आपको माप लेना है। शोल्डर अगर गड़बड़ होता है तो पहले आप छाट लीजिए। इस तरह आपको कोई भी ब्लाउज सिलना है यहाँ पे ज़रूर मापना है, इससे आपका जो गड़बड़ हो जाता है बाहीं पे वो बिल्कुल भी नहीं होगा। शोल्डर की गोलाई बराबर है तो अभी हम इस पर बाहीं अटैच करेंगे। देखिए शोल्डर से ही आपको इस तरह बाहीं को बीच से रख के सिलाई करना है। दूसरी साइड भी हम बीच से ही सिलाई शुरू करेंगे। इसके ऊपर हम डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद लॉक की सिलाई करेंगे। दूसरी साइड का बाहें भी इसी तरह अटैच करेंगे। दोनों साइड का बाहें हमने सिल लिया है।
इसके बाद देखिए आपको आगे का भाग इस तरह बराबर से रखना है। अगर गले की साइड आपका बढ़ता है तो आपको छाँट लेना है। देखिए हल्का सा बढ़ रहा है हमारा, तो हम इस पे निशान लगाएंगे इस तरह, इसी पे हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम पाइपिंग की पट्टी कट करेंगे। इतना कपड़ा बचा है हमारा, तो इसी में हम पट्टी कट कर लेंगे। इस तरह रख के आपको पट्टी अटैच करना है। हमने सभी पट्टियों को अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए हम ब्लाउज लेंगे और इस तरह डबल फोल्ड करके हल्का सा बढ़ा के रखेंगे। पाइपिन को खींचते हुए हम सिलाई करेंगे। इस तरह से खींचते हुए आपको पूरे गले पे सिलना है। हमने पूरे गले पे सिल लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम छाड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने पूरा देखिए इस तरह सिलाई कर लिया है। देखिए इस तरह से चौकोन गले पे इस तरह से आप आसानी से पाइपिंग लगा सकते हैं। देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ। तो अब इसकी हम साइड फिटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह आपको बराबर से रखना है। एक 5 नंबर की आप सिलाई पहले कर लीजिए बराबर से कपड़ा रखते हुए। देखिए इस तरह से दोनों साइड सिल लीजिए। दोनों साइड हमने सिल लिया। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पे बाहें पे निशान लगा रहे हैं। चेस्ट हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद देखिए कमर को इस तरह से आपको माप लेना है। 30 इंच का कमर हमको लेना है। देखिए इस तरह फोल्ड करना है कपड़े को। इस तरह इंची टेप रख के माप लीजिए। 1 इंच हमारा बढ़ रहा है, तो हमने जहाँ से सिलाई की है वहाँ से 1 इंच इस तरह रख के हम निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। इसी पे आपको सिलाई करना है। देखिए इस तरह से दूसरी साइड का फिटिंग हम इसी तरह से करेंगे। दोनों साइड का हमने देखिए फिटिंग की सिलाई कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी इस तरह से माप के हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। इस तरह से कपड़ा कट करके एक लॉक की सिलाई करेंगे हम। देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हम लॉक की सिलाई करेंगे।
देखिए हमने एक पट्टी लिया है, इसे हम इस तरफ फोल्ड करके सिलेंगे। बीच से हम देखिए इस तरह से कट करेंगे। प्रेस बटन के लिए हम शोल्डर पे अटैच करेंगे इस तरह से रख के। देखिए हमने दोनों साइड सिल लिया है प्रेस बटन की पट्टी। इस तरह से हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। देखिए बराबर से हमारा, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका लुक आया है। अगर आपको कहीं कुछ डाउट होगा तो हमें कमेंट करिएगा। आपके लिए अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल को प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो हमें कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।